हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। क्लास 10th स्टूडेंट्स का चैप्टर 5 एपी आगे कंटिन्यू करते हैं। हम एक्सरसाइज 5.1, 2 और 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आइए आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 to 14। ठीक है, देखिए ध्यान से। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले तो फॉर्मूले नोट करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या फॉर्मूले पढ़े थे। En का फॉर्मूला करा था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर Sn के दो फॉर्मूले करे थे हमने, n अपॉन 2 a प्लस An, याद है। और दूसरा फॉर्मूला करा था, अगर हम An की वैल्यू पुट कर दें a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देन वी गेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ समझिए। अब तो अगर हमें nth टर्म गिवन है तो हम Sn का शॉर्टकट फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर d या b गिवन होगा, an नहीं गिवन है, तो फिर हम सेकेंड फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, देखते जाओ। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द ap मेक द सम 636। AP गिवन हो, जब भी आपको AP गिवन हो तो आप समझ जाओ आपको क्या क्या पता है। A और D, A is 9, D is 17 minus 9, अब आप मिस्टेक नहीं करेंगे। A2 minus A1, it is 8, ठीक है। और sum is 636, means आपको क्या गिवन है, Sn कितना 636। कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, nth टर्म पता नहीं है, d पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। ठीक, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। लुक हियर, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d इक्वल टू 636। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, n अपॉन 2 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 d इज 8 इक्वल टू 636। ठीक, देखा 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, ठीक है, वो बचा n प्लस n माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारी इक्वेशन और सिंप्लीफाइड हो जाती है। 9 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 636, सो वी गेट n 9 माइनस 4 5 प्लस 4n इक्वल टू 636, वी गेट 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल टू 636, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सो वी गेट 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0, राइट। अब देखो, आप अगर आप स्प्लिटिंग से समझ में आ रहा है तो स्प्लिटिंग से कर दो, और नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, राइट। देखिए ध्यान से, मैं क्वाड्रेटिक लगा रही हूँ, n इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। माइनस बी इट इज माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 25, 5 स्क्वायर 25, माइनस 4ac, 4 इंटू 4 इंटू माइनस 636 अपॉन 2a, 2 इंटू ए इज 4, राइट, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, इट इज माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट 10176, ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन 8। ये सॉल्व करते हैं, माइनस 5 प्लस माइनस ऐड कर दो, यू गेट 10201 अपॉन 8, राइट। 10201 होता है 101 का स्क्वायर,
तो ये आ जाएगा माइनस फाइव प्लस माइनस 101/8। ठीक है, एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस साइन लेके सॉल्व करेंगे, तो ये हमारी एन की वैल्यू क्या आएगी? जब माइनस साइन लेके सॉल्व करेंगे तो माइनस फाइव माइनस 101/8 और माइनस फाइव प्लस 101/8, राइट। तो यहाँ से एन की वैल्यू, अगर ये तो नेगेटिव आ जाएगी, माइनस 106/8, ये तो हमें लेना ही नहीं है, नेगेटिव वैल्यू होती नहीं है एन की। ठीक, तो अब आगे निकालते हैं, सो एन इक्वल टू माइनस कर दो, ये कितना आ गया 96/8, सॉल्व करेंगे 12। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, हाउ मैनी टर्म्स वी हैव टू कैलकुलेट एन, कितने टर्म्स मिलकर सम 636 देंगी। ठीक है, हमारा सॉल्व हो गया एन इक्वल टू 12, दिस इज द आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपको बताया था कि एन की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगी, ना ही फ्रैक्शन में होगी। आगे देखो बेटा, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज 5, लिखते जाओ जो जो गिवन हो। फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 5, लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म हमसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो लास्ट टर्म हमने कहा लेट इट इज एन एच 45, सम इज एस एन इज, सारी टर्म्स का सम गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, हमसे क्या क्या पूछा है, एक तो हमें निकालना है एन नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो फॉर्मूला देखते हैं कौन कौन सा लग सकता है, फॉर्मूले पर नजर रहनी चाहिए हमेशा। ओके, देखो ध्यान से, ए एन इज गिवन, ए इज गिवन, ए एन इज गिवन, ए इज गिवन, एस एन इज गिवन, वी हैव टू कैलकुलेट एन, कौन सा फॉर्मूला समझ में आ रहा है सेकेंड। ठीक है, आप फॉर्मूले एक साथ लिखो और उसमें देखो मुझे, जैसे इस फॉर्मूले में हमारे पास 1, 2, 3, 4 फोर वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई तीन पता है तो चौथा हिस्से निकालेंगे, इसमें 1, 2, 3, 4 ये फोर वेरिएबल्स हैं, इनमें से कोई तीन पता है तो इससे करेंगे। ठीक है ना, इसी तरह से आप आगे भी देखेंगे, तो यहाँ हमने देखा मुझे ए एन ए और एस एन तीनों पता है, एन निकालना है, ये चारों किस फॉर्मूले में आ रहे हैं सेकंड में, तो लगाया फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, राइट, एस एन इज 400, एन अपॉन टू ए इज 5, ए एन इज 45। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 400 इंटू 2 इक्वल टू एन इंटू 50, सो एन इज 400 इंटू 2 अपॉन 50, कट कर दो, 0 से 0, 58 जा 40, 8 टू जा 16, तो n की वैल्यू आ गई 16। ठीक, अब n 16 आ गया, अब आगे समझो d निकालना है। अब d के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, फर्स्ट भी है, nth टर्म में से भी निकाल सकते हैं और sn से भी, तो कौन सा करना चाहिए जो शॉर्टकट हो, जिसमें कम काम करना पड़े, तो कौन से करते हैं, an से, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ए एन इज 45, ए इज 5, एन इज 16 माइनस 1 इंटू डी, 45 माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा 15d, सॉल्व कर दो, इट इज 40 इक्वल टू 15d, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 40/15, कट कर दो जो भी लोएस्ट टर्म में, 53 जा 58 जा, so we get d equal to 8/3, simple, right। और यहाँ से n की वैल्यू आई थी n equal to 16, okay, ठीक है, आया समझ में। तो फॉर्मूला ध्यान रखें, कौन से फॉर्मूले से करना चाहिए, दो ऑप्शन है तो किससे कैलकुलेशन कम पड़ेगी उससे करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट सिक्स, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए पी इज गिवन, ए इज गिवन, ए इज 17, लास्ट टर्म इज nth टर्म इज 350, इफ द कॉमन डिफरेंस डी इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर मीन्स एन
एंड सम मींस एसएन। ओके, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, जो जो गिवन है उसको लिखते जाओ, जो फाइंड करना है उसे लिखो, फिर अपने फॉर्मूले पर नजर डालो, मेरे पास क्या क्या फॉर्मूला है, मैं उससे क्या क्या चीजें निकाल सकती हूँ। ए एन गिवन है, ठीक है, एक पता है, डी पता है, यहाँ से एन आ जाएगा। ठीक है, लगाते हैं फर्स्ट फॉर्मूला, ए एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 350, ए इज 70 प्लस एन माइनस वन डी इज 9 इक्वल टू 350। आपको बताया है जब भी एस एन के फॉर्मूले ए एन के फॉर्मूले से आपको निकालना हो तो आप डी को मल्टीप्लाई मत करो, माइनस 70, सो एन माइनस वन इक्वल टू 9 अपॉन में चला जाएगा, माइनस का दो, 10 माइनस 7 3, 4 माइनस 1 3, ठीक है, 9 से डिवाइड हो जाएगा, कट कर दो, देखो 3 से हो रहा है, 3 जा 9 ट्रिपल 1, और फिर 3 से कट कर देंगे, 3 जा 9 37 जा 21। अभी ये n माइनस 1 की वैल्यू आई है, 1 ऐड कर दोगे, यू गेट n इज 38। ठीक, अब आगे समझो, अब हमें कैलकुलेट करना है सम, Sn कैलकुलेट करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, देखो ध्यान से, मेरे पास दोनों फॉर्मूले हैं, मेरे पास ए डी एन भी पता है, दोनों से मैं कर सकती हूँ, ठीक है, एन एट टर्म भी पता है, ए एन डी सब कुछ पता है, कौन सा लगाऊँ, यस फर्स्ट सेकंड लगाओ, है ना, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, ये शॉर्टकट है, ठीक है, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, सिंस हमें टाइम भी सेव करना है, तो एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, राइट, पुट द वैल्यूज, एन इज 38 अपॉन टू, ए इज 17 एंड ए एन इज 350, राइट, कट कर दो, टाइम्स 19 टाइम्स इन टू 7 एंड 5 प्लस 1 6 3 67, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर है 6973, मल्टीप्लाई करके देखिएगा, राइट, समझ में आ रहा है कि हम किस तरह से करेंगे, फॉर्मूले पर जरूर नजर होनी चाहिए, गिवन लिखो, जो फाइंड कर रहे हैं उसे लिखो और फॉर्मूला देखो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करोगे, ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट 7, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एपी, क्या कैलकुलेट करना है, एस 24 इन विच डी इज 7 एंड 22th टर्म, ए 22 गिवन है 149, ठीक है, देखा Sn का फॉर्मूला n अपॉन टू ए प्लस ए एन होता है, और a नहीं पता है, अभी a तो मुझे चाहिए यहाँ आगे, है ना, तो पहले a कैलकुलेट करेंगे, अब मुझे गिवन क्या है, मुझे a 22 गिवन है, तो यहाँ से समझ में आया कि यहाँ से पहले a कैलकुलेट करेंगे, a निकल जाएगा, फिर s 22 देखते हैं फिर कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है, तो a 22 गिवन है, मींस a प्लस 21d इक्वल टू 149, n माइनस 182d होता है ना, ठीक है, तो a इज a वी हैव टू कैलकुलेट 21d इज 7 इक्वल टू 149, सो यहां से कैलकुलेट होगा, माइनस कर दो 7 1 जा 7 7 2 जा 14, a इज 2, ओके, अब a आ गया, निकालना क्या था, सम ऑफ 22 टर्म्स, कैलकुलेट करते हैं, s 22 कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, देखो मुझे a पता है, मुझे an भी पता है, a 22 भी पता है, तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इजी है, n अपॉन 2 a प्लस an इज a 22, राइट, द वैल्यूज n इज, यस s 22 निकालना है, तो n इज 22, ओके, a इज 2, a 22 इज 149, इट इज 11, कट कर दो, इन टू ऐड करेंगे, वी गेट 151, मल्टीप्लाई कर दो, 11 वन जा 11, 1 कैरी 55, 56, 5 कैरी 11 वन जा 11, और 5 ऐड करेंगे 11 में, तो 16, ठीक, सो आंसर इज 1661, ठीक है, रटना नहीं है बेटा किसी भी क्वेश्चन को, समझना है
कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, क्या चीज कैलकुलेट करनी है, सब पर नजर होनी चाहिए। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स, n हमें गिवन है 51, सम कैलकुलेट करना है, हु सेकंड एंड थर्ड टर्म, क्या क्या गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है 14 और थर्ड टर्म गिवन है 18, पढ़ते जाओ लिखते जाओ, आपको नया आंसर मिलता चला जाएगा। मुझे सम ऑफ 51 टर्म्स निकालना है और मुझे A51 नहीं गिवन है, तो मेरे पास यही ऑप्शन बचा है। तो मुझे अब क्या क्या चाहिए, मुझे A चाहिए और D चाहिए, N तो पता ही है, दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों को सॉल्व कर देते हैं, A प्लस D इक्वल टू 14 एंड A प्लस 2D इक्वल टू 18, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो माइनस कर देते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी आ गया 18 माइनस 14 4, ठीक, डी कैलकुलेट हो गया। अब जब डी आ गया, मुझे ए भी चाहिए, तो ए निकालते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ए प्लस 4 इक्वल टू 14, यू गेट ए इक्वल टू 10, राइट, की वैल्यू 10 आ गई, सब कुछ पता चल गया। आगे सॉल्व कर दो, क्या चीज कैलकुलेट करनी है, SN means S51, क्या फॉर्मूला, N upon 2, yes, 2A plus N minus 1 into D, यहाँ पर आपको A21 नहीं गिवन है, ठीक है, लास्ट फॉर्मूला लगाएंगे, N is 51 upon 2, 2 into A is 10 plus 51 माइनस 1 इंटू डी, डी इज 4, सो वी गेट 51 अपॉन 2, इट इज 20 और 54 जब 200, सो वी गेट 51 अपॉन 2 इंटू 220, राइट, राइट कर दो, 110, 11 से मल्टीप्लाई 0 लगाया, 11 बन जाए 11, 1 कैरी, 11 5 जाए 55 प्लस 1 56, सिंपल कैलकुलेशन, ओके, आया समझ में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स, क्या गिवन है, S7 कितना, 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझना ध्यान से, That of 17 term is 289. क्या गिवन है ये? ये 17th term गिवन है या सम गिवन है? फिर से पढ़ो क्वेश्चन को. The sum of 7 terms of AP is 49 and that of means वही चीज, क्या चीज, सम, जो हम 7 terms का ले रहे थे वो उसी वही चीज 17 terms की 289 है। क्वेश्चन समझ में आया? इसमें बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, वो A17 ले लेते हैं, क्योंकि इसमें क्लियर गिवन नहीं है, ठीक है, तो दैट ऑफ मीन्स जो चीज हम पहले की निकाल रहे थे वही चीज 17 टर्म्स की 289 है, मीन्स S17 इक्वल टू 289, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, तो क्या क्या चाहिए, A और D चाहिए, सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, 7 upon 2, ठीक है, फॉर्मूला लगाया, n upon 2, 2a plus n minus 1 इंटू डी, 2a plus 7 minus 1, 6d इक्वल टू 49, ठीक, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं और ये बन जाएगा a plus 3d इक्वल टू 49, ये तो कट हो गया, 7 को भी साइड चेंज कर रही हूँ मैं, a plus 3d इक्वल टू 7 से डिवाइड करोगे तो यू गेट 7 7 जा 49, सो सिंपल a plus 3d इक्वल टू 7, फर्स्ट इक्वेशन, राइट। इसी तरह से सेकंड बनाते हैं, 17 अपॉन 2 इंटू 2a plus 17 minus 1, 16d इक्वल टू 289, राइट, अगेन 2 कॉमन ले लो, तो a plus ad इक्वल टू 289, 2 कट हो गया, 17 से डिवाइड करते हैं, राइट, और 17 से डिवाइड करेंगे, गेट 17 बन जाए 17 एंड 17
7 4। ठीक है, तो a प्लस ए डी की वैल्यू आ गई 17। मुझे a और d कैलकुलेट करना है। दो इक्वेशन बन चुकी हैं, सॉल्व करते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट। बिगर में से स्मॉलर माइनस करो, बहुत इजी कैलकुलेशन होती है। 8 माइनस 3 5d और ए से ए कैंसिल हो जाएगा। 17 माइनस 7 10, सो यू गेट d इक्वल टू 2, 10 अपॉन 5। ओके, d आ गया। कौन सी इक्वेशन करो? फर्स्ट से, है ना, जिसमें हमको कम कैलकुलेशन करनी पड़े। a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, यू गेट a इक्वल टू 7, 3 टू जस्ट 6, इट इज 1। a 1 आ गया। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। ध्यान से देखो, सम ऑफ n टर्म्स, sn इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a और d की वैल्यू हमें पता चल गई है। sn टर्म्स का सम निकालना है, n टर्म्स का सम निकालना है, तो मींस आपका आंसर n में ही आएगा। आप यहाँ परेशान ना हो कि n की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, कोई बात नहीं, आपका आंसर n में आएगा। देखो ध्यान से, n अपॉन 2, 2 इंटू ए इज 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 2। सॉल्व करते हैं, वी गेट n अपॉन 2 इंटू 2 प्लस, मल्टीप्लाई कर दो, 2n माइनस 2, राइट, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल। ठीक है, हमारे पास आएगा n अपॉन 2 इंटू 2n, राइट, अगेन कट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर इज n स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आया समझ में? क्या करा हमने, पहले दोनों से a और d निकाला, ऐसे निकाल दिया, राइट। आगे शो दैट a1 a2 an फॉर्म्स एन ap। सबसे पहले आपको प्रूव करना है कि ये ap है। ठीक, मैं इसका सेकंड पार्ट ले रही हूँ। देखो ध्यान से, an इज गिवन 9 - 5n। हमें ap प्रूव करना है, क्या प्रूव करें? किसी भी सीक्वेंस को ap प्रूव करें तो क्या प्रूव करेंगे आप? a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 मीन्स कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो निकालते हैं पहले a1 a2 a3 निकालते हैं। a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, इट इज 4। a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, 5 टू जा 10, 10 और 9 माइनस करेंगे तो माइनस 1। a3 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, 5 3 जा 15, 9 माइनस 15, इट इज माइनस 6। ठीक है, ये a1 a2 a3 की वैल्यू होगी। अब चेक करते हैं a2 माइनस a1 कितना आता है, माइनस 1 माइनस 4। ठीक है, ध्यान से विद साइन वैल्यू पुट करना, इट इज माइनस 5। नाउ a3 माइनस a2, a3 इज माइनस 6 माइनस a2, a2 इज माइनस 1, राइट। ध्यान से करना बेटा, माइनस 6 प्लस 1 इट इज माइनस 5। एज a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, दिस इंप्लाइज इट इज एन ap। आया समझ में? और जो ये डिफरेंस आता है इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस d। ठीक है ना, तो अब आप देखो, और जो a1 की वैल्यू होती है दैट इज a फर्स्ट टर्म, वो हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, सम ऑफ 15 टर्म्स। ठीक, देखो फॉर्मूला कौन सा लगता है, कौन सा लगाए, n अपॉन 2 d पता है, ठीक है, a भी पता है, n भी पता है, सबसे जो n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n इज 15 अपॉन 2, राइट, 2 इंटू a फर्स्ट टर्म इट इज 4, ध्यान से करना, n माइनस 1 15 माइनस 1 d इज कॉमन डिफरेंस, क्या निकाला था हमने, माइनस 5, सही लिखा मैंने, सही किया नहीं किया, क्या मिस्टेक करी, यस, d को अगर निगेटिव हो तो ब्रैकेट में लिखना है, अदरवाइज ये ऐसा होगा कि इसको माइनस करना है,
मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट में लिखो. सो इट इज 15 अपॉन 2, 4 टू 8 प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 1 14 इंटू 5. ठीक है, ये देखते हैं 15 अपॉन 2 इट इज 8, 14 इंटू 5 70. You get 15 upon 2 into, yes it is, minus, कितना आएगा 62, right, cut कर दो, 2 से divide कर दो, 31 minus 15, 1 जा 15, 1 carry, 15, 3 जा 45 plus 1, 46, answer. Sign का ध्यान रखना, again very important question. ISMH में सबसे पहले हमें प्रूफ करना था इट इज एन एपी. पहले हमने उसको प्रूफ किया, फिर सम कैलकुलेट करना था, फॉर्मूला लगा दो, राइट. नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11. क्या क्वेश्चन है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स. सम गिवन है एन टर्म्स का, मींस SN इज 4n माइनस एन स्क्वायर. वट इज द फर्स्ट टर्म? अब यहाँ समझो आप, एक मैं सिंपल एग्जाम्पल से समझा रही हूँ आपको, समझना. मेरे पास एक ए पी है 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन. ठीक है, एक सिंपल एग्जाम्पल से मुझे इनका सम गिवन है. ठीक है, अब मैं एस वन कहूँ सम ऑफ वन टर्म तो कितना आएगा 5. ठीक है, और सम ऑफ वन टर्म इट इज ऑल्सो फर्स्ट टर्म ए, जिसको हम ए वन भी लिखते हैं, ए भी लिख देते हैं. मेरी बात समझ में आई? तो सम ऑफ वन टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म. ठीक, सम ऑफ टू टर्म्स, एस टू निकालोगे तो क्या करोगे, टू टर्म्स का सम करोगे 5 प्लस 10, इट इज ए वन प्लस ए टू. ये बात समझ में है? ठीक है, वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यूज करना है. क्या करना है आपको, देखो ध्यान से, हमें क्या क्या चीजें निकालनी है. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू एस वन. ठीक है, आया समझ में? तो एन के प्लेस पर 1 पुट कर दे, 4 × 1 − 1² 4 − 1 इट इज 3. ठीक, नेक्स्ट वट इज द सम ऑफ टू टर्म्स? सम ऑफ टू टर्म्स एस टू, राइट, 4 × 2 − 2² जहां जहां n है वहां वहां 2 पुट कर दीजिए, गेट 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 4, आंसर इज 4. आगे नेक्स्ट पार्ट, वट इज द सेकेंड टर्म? अब यहां देखो, एस टू मीन्स ए प्लस ए टू, इट इज 4. सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स ए वन प्लस ए टू, ए मीन्स ए. ठीक है, यहाँ देखिए आगे, तो ए की वैल्यू कितनी है 3, अभी हमने कैलकुलेट करी, दिस इज, ठीक है, सो 3 + a2 = 4, सो यू गेट a2 = 4 − 3, इट इज 1, राइट. सेकेंड टर्म में आ गई. सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड nth टर्म. निकालते चले जाते हैं, थर्ड टर्म ए थ्री क्या हो जाएगा, a+ a+2d. ठीक है, अब डी पता है आपको क्या होगा? डी फर्स्ट टर्म आ गई, सेकेंड टर्म आ गई, तो यहां से पहले डी कैलकुलेट करो. दिस इंप्लाइज यहां से डी निकालते हैं, d = a2 − a1, सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, a2 इज, अभी निकाली थी हमने सेकेंड टर्म 1, माइनस ए वन इज मीन्स फर्स्ट टर्म 3, ध्यान से करना बेटा, −2. ठीक, वैल्यू पुट करते हैं, a3 = a + 2d, a इज 3 + 2 × d = −2, सो यू गेट 3 − 4, आंसर इज −1. ठीक, अब अगले पूछा है, देखो a10, जो भी पूछा जाए निकालते चले जाओ. ए टेन कैलकुलेट करना है, a10 = a+9d, a इज 3 + 9 × d = −2, राइट, सो
3, 9 2 जा 18, 18 माइनस 3 माइनस 15, ओके। नेक्स्ट देखिए nth टर्म, मान लेते हैं nth टर्म भी, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, अगेन पुट द वैल्यूज, a इज 3 प्लस n, a n पूछा है तो आंसर n में ही आएगा, d इज माइनस 2 विद इन ब्रैकेट 3 प्लस, प्लस नहीं, यस, क्या आएगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 है n प्लस 2, सो इट इज 5 माइनस 2 n, ओके, राइट, आया समझ में, क्या क्या करना है हमें, जो जो पूछा जाए निकालते चले जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कई पार्ट्स पूछे थे, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, फाइंड द सम, देखो पहले सम कैलकुलेट करना है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 से डिविजिबल फर्स्ट 40, अब देखो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, क्या क्या होंगे, पहला क्या होगा 6, दूसरा 6 टू जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, और लास्ट कौन सा आएगा, 6 इंटू 40, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 40 पॉजिटिव, 1 2 3 4 ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास सीरीज क्या बन गई, 6 12 18 और लास्ट 6 4 जा 24, ये आ गया 240, ठीक, सम कैलकुलेट करना था, क्या क्या पता चल गया अब आपको, जब आपको ए भी पता चल गई तो क्या क्या पता चल गया, ए इज 6, ए एन इट इज 240 लास्ट टर्म, डी डी इज माइनस कर दो 12 माइनस 6 इट इज 6, राइट, आगे सॉल्व कर देते हैं, सम कैलकुलेट करना है, सम का फॉर्मूला है, मुझे ए एन भी पता चल गया, तो लगाते हैं एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, एन इज सम ऑफ 40, तो आपको एन गिवन है 40, ठीक है, तो 40 अपॉन 2 a इज 6 a n इज 240, आपको d निकालने की जरूरत भी नहीं थी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, अगर आप सेकंड फॉर्मूले से करोगे तो d की जरूरत पड़ेगी, राइट, इट इज 20 इन टू इट इज 246 मल्टीप्लाई कर दो, 6 टू जा 12, 4 टू जा 8, 9 टू टू जा 4 आंसर, ओके, आ रहा है समझ में, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, समझना ध्यान से, तो उसमें 8 भी आएगा, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज 8 इटसेल्फ, राइट, 8, देन 8 टू जा 16, और इसी तरह से बढ़ते चले जाओगे तो लास्ट क्या आएगा, 8 इंटू 15, ठीक है, जैसे अभी हमने करा 8, 8 टू जा 16 एंड लास्ट 8, 15 8 जा 120, राइट, a इज 8, a n इज 120, कितने n इज, कितने टर्म्स थी 15, राइट, क्या कैलकुलेट करना है, सम, तो SN इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस an, जहां भी आपको an पता चल जाए तो शॉर्टकट फॉर्मूला लगाओ, n इज 15 अपॉन 2, a इज 8, an इज 120, ठीक, तो 15 अपॉन 2 इट इज 128, कट करो, 2 6 जा 2 4 जा 15 की टेबल सबको आती है, 15 4 जा 60, 6 कैरी 15 6 जा 15 6 जा 90 एंड प्लस 6 96 आंसर, है ना सिंपल,
लास्ट क्वेश्चन 14, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 15। अब लिखो ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50 आर कौन कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, मीन्स 1, 3, 5 और लास्ट कौन सा आएगा इससे पहले 49। इवन है राइट। अब देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है, ठीक है। और सम के लिए n तो चाहिए ही, तो पहले n कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से a हमें पता चल गया 1, d हो गया 3 माइनस 1 इट इज 2, an इज 49। लगा दो फॉर्मूला an का, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 49। a इज 1, n we have to calculate, d is 2 equal to 49, n minus 1 equal to 49, minus 1 minus करेंगे और 2 से divide कर देंगे, 2 जा 4, 2 4 जा 8 और n आ गया 24 plus 1 it is 25। आपको वैसे भी पता है अगर 50 numbers हैं sequence में consecutive तो उनमें से हाफ ऑड होते हैं हाफ इवन होते हैं, आपका आंसर 25 ही आना चाहिए था। नहीं आ रहा है तो समझ जाओ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर लिए। 0 टू 50 आपको नंबर्स लेने थे तो हाफ इवन होंगे और हाफ ऑड होंगे। सब निकालते हैं n अपॉन 2a प्लस an, मुझे लास्ट टर्म पता है, दिस इज लास्ट टर्म, an लगाओ, ठीक। n इज 25 अपॉन 2, a इज 1, an इज 49, 25 अपॉन 2 इंटू 50 कट कर दो इट इज 25 और 25 का स्क्वायर होता है 625। आंसर आया समझ में? तो कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूले को देखते जाओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या गिवन है, क्या चीज फाइंड करनी है और सॉल्व करते जाओ, ठीक है। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।